चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है ब्लू टाइड। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, लहरें नीली क्यों दिखती है, बायोल्यूमिनेसेंट क्या है, क्या ब्लू टाइड हानिकारक है और अंत में इस विषय से संबंधित प्रश्न पर हम विचार करेंगे। यह चर्चा में क्यों है? पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के समुद्र तटों पर आने वाले लोगों ने एक फ्लोरोसेंट नीली चमक को उस समय देखा जब लहरें समुद्र से टकराई। इन नीली लहरों को मुंबई के जुहू समुद्र तट, देवगढ़, वेलस और मुरुद में देखा गया। लंबी अवधि के इन नीली रोशनी वाली तेज प्रकाश को वैज्ञानिकों के अनुसार बायोल्यूमिनेसेंट बताया गया। मालदीव, वियतनाम, इंडोनेशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित बहुत से देशों के तटों पर ऐसी नीली लहरें दिखती हैं। यह उन जगहों पर ज्यादा देखने को मिलता है जहां शहरी आबादी कम है और ज्यादा चमक धमक नहीं है। लहरें नीली क्यों दिखती हैं? नीली रोशनी को बायोल्यूमिनेसेंट कहा जाता है और ऐसा समुद्र में मौजूद फाइटोप्लांकटन नाम के शैवाल के कारण होता है। लहरों का चमकदार नीले रंग में बदलने का कारण एक रासायनिक प्रक्रिया है। लहरों के तट से टकराते ही केमिकल एनर्जी को यह शैवाल इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित कर देती है। समुद्र के पानी में मौजूद महीन फाइटोप्लांकटन प्रोटीन के साथ मिलकर खास तरह की नीली रोशनी निकालते हैं। बायोल्यूमिनेसेंट को उत्पन्न करने वाले शैवाल का वैज्ञानिक नाम नॉक्टिलुका सिंटिलेंस है। यह फाइटोप्लांकटन प्रजाति का है और इस घटना को ब्लू टाइड कहा जाता है। बायोल्यूमिनेसेंट क्या है? बायोल्यूमिनेसेंट प्रकाश पैदा करने और उत्सर्जित करने के लिए एक जीवित जीव है। पशु, पौधे, कवक और बैक्टीरिया बायोल्यूमिनेसेंट को दर्शाते हैं। समुद्री जीवों और सूक्ष्म जीवों की एक उल्लेखनीय विविधता अपने स्वयं के प्रकाश का उत्पादन करने में सक्षम है। यह कई समुद्री जीवों जैसे बैक्टीरिया, शैवाल, जेलीफिश, कीड़े, समुद्री स्टारफिश और शार्क में पाया जाता है। उथले प्रजातियों की तुलना में ल्यूमिनेसेंस आमतौर पर गहरे रहने वाले और पल्लवक जीवों में अधिक होता है। क्या ब्लू टाइड हानिकारक है? यह घटना छोटे स्तर पर हानि रहित हो सकती है, लेकिन बड़े स्तर पर यह मछली पकड़ने वालों को प्रभावित कर सकता है। समुद्री विशेषज्ञों के अनुसार यह घटना जलवायु परिवर्तन का एक संकेतक है। हवा के पैटर्न और समुद्र के तापमान जैसे कारक भी बायोल्यूमिनेसेंट तरंगों की घटना को निर्धारित करते हैं। यह पानी की गुणवत्ता में गिरावट का एक पारिस्थितिकी संकेतक है। फाइटोप्लांकटन से पता चलता है कि समुद्र के पानी में कम घुलित ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की उच्च उपस्थिति है। आज का प्रश्न है, हाल ही में मुंबई के समुद्र तट पर नीली चमकदार लहरें देखी गई, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, लहरों का चमकदार नीले रंग में बदलने का कारण एक रासायनिक प्रक्रिया है। कथन दो, नीली रोशनी को बायोल्यूमिनेसेंट कहा जाता है और ऐसा समुद्र में मौजूद फाइटोप्लांकटन नाम के शैवाल के कारण होता है। उपरोक्त में असत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प सी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।
Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.